हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा G81 साइकिल से हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे ड्रिलिंग का। तो ड्रिलिंग का प्रोग्राम जो है फानुक कंट्रोल के अंदर G81 साइकिल से बहुत ही कॉमन तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही आसान साइकिल है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं G81 X Y Z R K F, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको मैं हर एक चीज का नोमेनक्लेचर बता देता हूं। X और Y ये जो है ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं होल की पोजीशन बताते हैं कि होल जो है X कोऑर्डिनेट में कितना है, Y में कितना है। ठीक है, तो X Y तो हो गए कोऑर्डिनेट, Z हो गई डेप्थ स्टार्ट फ्रॉम आर प्लेन, जो रिट्रैक्शन प्लेन रहता है वर्कपीस के सरफेस के ऊपर, एक इमेजिनरी प्लेन हम कंसीडर करते हैं जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं। वहां पर क्या होता है, सबसे पहले उस सरफेस के ऊपर जो है टूल आके इनिशियल पोजीशन से आर प्लेन पे रुकता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि वर्कपीस जो है सीधा टकराए ना, टूल पहले रुके फिर वहां से जो है ड्रिलिंग करना स्टार्ट करे धीरे धीरे। ठीक है, तो वो आर प्लेन जो है वहां से जो है डेप्थ हम जो है मेजर करते हैं जेड की, मतलब कितना गहरा हमको होल ड्रिल करना है वो चीज हमको जेड में लेनी होती है। तो जेड में हमको क्या करना होता है, पहले आर प्लेन से सरफेस की डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं कितना गहरा हमको ड्रिल करना है। ठीक है, तो दोनों चीजों ऐड करके जो है जेड की वैल्यू हम रखते हैं। ठीक, उसके बाद है आर। आर क्या है, पोजिशन ऑफ आर प्लेन। आर प्लेन की पोजिशन हम कहां पर रखेंगे ये हम प्रोग्राम में देते हैं, 2 mm, 3 mm, 5 mm, ये आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम साइकिल टाइम देना है तो हम वर्कपीस से 2 mm ऊपर जो है अपने टूल को रोक लेते हैं। ठीक है, तो आर प्लेन की वैल्यू 2 mm जो है मान के चलते हैं। उसके बाद के है नंबर ऑफ रिपीटेशन। हम जो है सीएनसी प्रोग्रामिंग में क्या है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। अगर हम एक बार में प्रोग्राम को जो है ड्रिल करके खत्म करना चाहते हैं तो हम के की वैल्यू को नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम 2 या 3 बार में हम अपने एक ऑपरेशन को फिनिश करके जो है निकालना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को 3 या 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम के के साथ में 1 या 2, 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एफ। एफ जो है हमारा कटिंग फीड रेट है, जो फीड रेट हम देते हैं वो हम एफ में वैल्यू को ऐड करते हैं। तो ये हमारा G81 ड्रिलिंग साइकिल है और ड्रिलिंग साइकिल का जो प्रोग्राम है वो हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 183 पे जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है G81 साइकिल से प्रोग्राम बना के दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है इसी का यूज करना है और वहां से आप जो है प्रोग्राम को समझ सकते हैं। वहां पे एक्सरसाइज दी हुई है, 2-3 प्रोग्राम दिए हुए हैं, उसको आप करिए। जहां पर भी डाउट आता है वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।